साबित कर दिया तुमने कि तो मेरे नहीं। क्या क्या अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं? मैं सही हूं, मैं सही हूं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखा आपने आज, हाँ जी, थोड़ा रोना धोना और इमोशनल है और आज का वर्ड हमारा इसी थीम के ऊपर बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि आज मेरी जो थीम है वो इसी स्टेट पे है जहाँ की हम रोना और धोना थोड़ा हो जाता है। तो अभी आपने मेरी क्लिपिंग देखी और उस क्लिपिंग को देख के आपके दिमाग में कौन सा वर्ड आ रहा है? यस, सो टुडेज वर्ड इज Lachrymose. Lachrymose है आज का हमारा वर्ड और आपको ये मेरे याद कराने के बाद भूल के दिखाना। तो जो ये वर्ड Lachrymose है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग। दैट इज व्हाट इट मींस, टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग। बहुत ऐसा स्टेट कि हम रोने वाले होते हैं या हम बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। आइए इसको याद करते हैं, Lachrymose को, सब्स्टिट्यूट वर्ड, हमारी टेक्निक Lachrymose, लकड़ी, लड़की लकड़ी लेके खड़ी है और क्या कर रही है, और इस माउस को मार रही है और फिर माउस क्या करता है, रोने लगता है। आइए देखिए मेरा इंटरेस्टिंग एनिमेशन जो मैंने बनवाया है। वर्ड Lachrymose, मीनिंग tearful or given to weeping. Substitute lately plus mouse. Lately. Mouse. Tearful or given to weeping. जी हाँ, देखा आपने एनिमेशन, अब तो भूलने के मतलब ही नहीं। आइए इस वर्ड को हम थोड़ा देखते हैं। और जो पहली क्लिपिंग है इसने मुझे भी रुला दिया था, बहुत ही इमोशनल था। और ये जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ Lachrymose, जो कि वीपिंग और इंक्लाइन टू है, कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज टीयर्स, ये जो है बहुत रिसेंट हुआ था। Indian women's hockey team was in a state of Lachrymose after losing bronze medal match to Great Britain at Tokyo Olympics. ये मैच देख के, सविता पुनिया को देख के आंखों में आंसू आ गए थे, नम हो गई थी आंखें, देख नहीं पाया था। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, 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 नैना। इन्होंने मैच हार के भी दिल जीत लिए थे, दे वर इन Lachrymose स्टेट एंड एंटायर इंडिया वाज, बट दे प्लेड वेरी वेल, सो दैट वाज इंडियन हॉकी टीम। उसके बाद हम चलते हैं Lachrymose स्टेट ड्यू टू प्राइस राइज इन ऑनियंस। ये थोड़ा हंसने वाली बात है कि भाई देखिए, पति जी कह रहे हैं इतना प्राइस बढ़ गया कि भाई, और विमेन कहती हैं
कि द राइजिंग प्राइस ऑफ अनियन हैज लेड हाउसवाइव्स टू अ स्टेट ऑफ लैक्रिमोज इवन बिफोर शॉपिंग. प्याज काट के तो आंसू देखे थे, प्याज के प्राइस सुन के आंसू आ गए. राइट, माय वाइफ इज वेरी लैक्रिमोज. देखिए भाई, मैं तो जब भी अपनी वाइफ के साथ मूवी जाता हूँ, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, टिश्यू पेपर्स के बंडल साथ रहते हैं, क्योंकि ये पिक्चर ऐसी है ना कि हाँ ये ऐसे ही चलता है, लैक्रिमोज स्टेट. और लड़कियां खास करके बहुत इमोशनल हो जाती हैं और रियलिटी में चीजें ले लेती है. मेरी बेटी भी ऐसी ही है. सो द वर्ड लैक्रिमोज लेट्स यूज इन सम ऑफ द सेंटेंसेस. एवरीवन बिकेम लैक्रिमोज एंड सैड आफ्टर सीइंग पिक्चर्स ऑफ डेड चिल्ड्रन. वी यूजुअली बिकम इमोशनल, और इंडियंस बाय नेचर ही बहुत इमोशनल होते हैं. द शोज ऑन टीवी अबाउट पीपल डाइंग ऑफ कैंसर और आजकल कोविड मेक्स मी बिकम वेरी लैक्रिमोज. हम जब कोविड या इसकी न्यूज सुनते हैं लोग मर गए तो बहुत ही दुख होता है. तो ये था मेरा आज का वर्ड जिसके सिनोनिम्स हैं टियरफुल, डोलोरस, लुगुब्रियस, मॉर्नफुल, समथिंग लाइक दैट. और इसके एंटोनिम्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे होते हैं, जॉयफुल, चीयरफुल, आप सबको रहना चाहिए, बॉयंट, ब्लिसफुल, कभी खुशी कभी गम, ये जिंदगी का राज है. तो अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है और मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है, वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं जो मैं ला रहा हूं, तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड राइट योर सजेशन. दिस इज केशव अग्रवाल साइनिंग ऑफ फॉर द डे.